20,000 आ गया बिल पर आया। अब 20 आईबो किया है तो चार्ज नहीं है, चेक नहीं आ रहा करने के लिए कि कितना हुआ ना, कितना पैसा हुआ, चार्ज नहीं है कर आ रहा, देखने या नहीं आ रहा है। एक भाई आ जाएगा देखने के लिए तो हम करके कहाँ दे देंगे, हम पैसा देंगे हम, हाँ करो देना, कमाना खाना वाला ठेला वाला है रक्षा वाला कहाँ से देगा, बिजली आता अचानक आता है 20,000-25,000 कहाँ से दिल भरेगा। बिल आ रहा हम लोग का कभी 5,000 भेज देता है 2-3 महीना पर। अब बाहर के सरकार है जो केजरीवाल सरकार, वो अच्छा काम कर रहे हैं कि वह मतलब बिजली पानी हर चीज एकदम। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। पटना में जो स्मार्ट मीटर लग रहा है उसको लेकर कई जो सवाल हैं वो राजधानी पटना के लोग पूछ रहे हैं। बात की जाए तो कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर में बहुत ज़्यादा जो बिजली बिल है वो आ रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचेंगे आम आवाम के बीच, ये वो आवाम हैं जो बस्ती में रहते हैं, और जानेंगे उनकी राय कि स्मार्ट मीटर में आखिर दिक्कत क्या हो रही है। अच्छा, कितना दिक्कत हो रहा है स्मार्ट मीटर से? इस बस्ती में हम आए हैं, लोग कह रहे हैं 5,000-10,000 का बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर में अप्रत्याशित बिल आता है, इससे सभी लोगों को परेशानी, सिर्फ इस बस्ती की बात नहीं, पूरे बिहार के लोग जो है त्रस्त हैं स्मार्ट मीटर से। स्मार्ट मीटर का ये स्थिति है कि अगर आपने 2,000 उसमें डाल दिया तो कैसे आपका पैसा खर्च हो गया आपको खुद नहीं पता चलेगा। स्थिति ये है कि लोग परेशान हैं। पहले था कि चलो भाई हमारा ठीक है, स्मार्ट मीटर में जो बिल आता था उसमें होता था कि अभी इस महीने बिल नहीं जमा किए तो अगले महीने कर लेंगे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि आपका आज पैसा ख़त्म हुआ, आपका अगर नहीं है पैसा तो अंधेरे में रहिए। और गरीब गुरबा के पास रोज़ हमेशा पैसा नहीं रहता है, या किसी भी व्यक्ति के पास, सब लोग उतने सक्षम नहीं होते हैं कि जब मन किया तब अपने ऑनलाइन पैसा डाल दिया, मेरे अकाउंट में भरा हुआ है। तो उससे जब परेशानी ना के बराबर थी, एक दो महीना बर्दाश्त भी लोग कर लेते थे कि चलो भाई अगले महीने ना अगले महीने पैसा आएगा डाल देंगे, लेकिन आज स्थिति बहुत भयावह है। अंधेरे में रहने के लिए लोग मजबूर है स्मार्ट मीटर के कारण, और बिजली का बिल भी अप्रत्याशित आता है, समझ में ही नहीं आता कि पहले जब मीटर लगा था तो 1,000 बिल आता था तो आज के डेट में सीधे 4,000 बिल आता है। ये स्थिति है, इस सरकार को इस पर सोचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। स्मार्ट मीटर हटा देने लायक है, इसको रखने से कोई फायदा नहीं है। गरीब गुरबा या आम जनता इस मीटर से काफ़ी परेशान है, त्रस्त है एकदम। रहेगा तो बाल बच्चा रहेगा, इस जोर में पैसा रहेगा तो ना रहेगा, सरकार सब फ्री दिया है, केजरीवाल सब फ्री दिया। कितना दिक्कत हो रहा है नया वाला में? दिक्कत हो रहा है। कितना कितना बिल आ जाता है? बिल तो आ जाता है 500-600-400 है ना। 20,000 कितना कितना हाल के चाची? 20,000 आ गया बिल पर आया। अब 20 आईबो किया है तो चार्ज नहीं है, चेक नहीं आ रहा करने के लिए कि कितना हुआ ना, कितना पैसा हुआ, चार्ज नहीं है कर आ रहा, देखने या नहीं आ रहा है। एक भाई आ जाएगा देखने के लिए तो हम करके कहाँ दे देंगे, हम पैसा देंगे हम, हाँ करो देना, कमाना खाना वाला ठेला वाला है रक्षा वाला कमाने वाला। आपका घर है? हाँ बताइए जरा। तो इसमें 20,000 का बिल आ गया? नहीं, इसमें तो आया 5,000 का बिल। अच्छा, इसमें 5,000 का। हाँ। कितना दिक्कत हो रहा है भैया? बहुत दिक्कत होता है। देखिए ऐसे घर में स्मार्ट कार्ड लगेगा, बताइए इसको रहने के घर नहीं, उसको स्मार्ट कार्ड लगा दे, कैसे लगेगा, कैसे गरीब के कैसे रह रहे हैं। कितना बिल आ रहा है? बिल आ रहा हम लोग का कभी 5,000 भेज देता है 2-3 महीना पर। अब बाहर के सरकार है जो केजरीवाल सरकार, वो अच्छा काम कर रहे हैं कि वह मतलब बिजली पानी हर चीज एकदम से। महीना का कितना कमाते हैं आप? हम लोग क्या कमाएंगे, टेम्पू चलाते 200-250। अब बिल उससे ज्यादा दे दे रहे हैं? बिल आ रहा है, कहाँ से देंगे गरीब आदमी, पानी का साधन नहीं है, नहीं यहाँ साधन है, कहाँ से करेंगे? क्या हो रहा है? जो नहीं है तो हमारे से तो बिजली नहीं रहा तो क्या करेंगे बताइए, आखिरी में गिरवे ना करेगा बिल तो कमा के ले जाएगा, तो वहाँ से भी चार्ज बंद कर दीजिएगा, तो बाल बच्चा जैसे तैसे रहेंगे। कितना आपके यहाँ जो कमाई है महीने का कितना हो पाता है? अब जोड़ लीजिए 6,000 का महीना गिरता है, 300 रुपया के कमाते हैं, 200 कभी 250, कोई नियम नहीं, कभी तबीयत तो खराब हो गया तरह की है। मतलब जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा का बिजली बिल भर बिल आ रहा है, तो भरते भरते वही तबाही, ढंग से खाना नहीं मिलता। क्या चीज़ नहीं है? क्या चीज़ खा रही है, पेट नहीं भर रहा, आदमी के मेहनत कर रहा है, तो अब पैसा बिजली में ही चला जा रहा है। बिजली में कहाँ से देगा, बिजली आता अचानक आता है 20,000-25,000 कहाँ से बिल भरेगा। आप लोग पूरे इसी मोहल्ला में इसमें रहते हैं? देखिए
कही था कि गरीब को बिल दी सरकारी सरकारी बिजली लग रहा है, फ्री करेंगे हम, आप फ्री नहीं कर रहा और ज्यादा पैसा हमको हमको कहना 5,000 कर दी से 10,000 तो हमको कर 20,000 तक कर दी से 30,000 इतना तो गरीब से कहाँ देगा बताइए जरा कहूँ कहूँ हमसे अच्छी मिल नौकरी में सर्विस वाला हमसे कमा ठेला चलाते हैं रखा चलाते हैं लकड़ी काटते हैं बाल बच्चा फेरी करते हैं फकीरी करते हैं कितना कमाएंगे हम सब घूरते तीन तीन चार चार तल्ला पर चेहरे पर तरतरे पड़ता है हुआ तो हुआ 200-250 रुपया ना हुआ तो उसी पर चल रही है उसी खर्चो भाड़ा जिस दिन जाइए उस दिन 100 रुपया भाड़ा लेके जाइए 100 रुपया भाड़ा लेके जाइए नल करा दी थे सरकार घर घर नल देंगे घर मोदी घर मोदी तो कहाँ घर घर मोदी है देखो साल भर हो गया कल नहीं चल रहा देखिए कल देखिए समस्याएं जो है ढेर है। अगर बात ये नल जल योजना का नल है तो निश्चित तौर पर जहाँ बिजली को लेकर समस्या जानने आए हैं वहाँ दूसरी भी समस्या निकल कर आ रही है। एक बात बताइए नल जल के लिए है तो आप नल जल की भी बात कर रहे हैं इसके लिए भी पैसा लेता है क्या लोग? नहीं ना।